कैसे आप लोग? तो दोस्तों आज मैं गुजरात के चोरवाड़ गांव में जहां पे आया हुआ है धीरूभाई अंबानी का घर। तो दोस्तों आज आप लोगों को आज के वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी के घर को दिखाने वाले हैं। और अभी जहां पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे की साइड में ही धीरूभाई अंबानी का घर है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड में बोर्ड लगा हुआ है धीरूभाई अंबानी का। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को पूरा घर दिखाने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और दोस्तों आप लोगों को धीरूभाई अंबानी से जुड़ी हुई कुछ गजब की बातें भी बताने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेस है। पूरा घर हम आपको पीछे से लेके आगे तक का सारा नज़ारा इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं धीरूभाई अंबानी का घर। दोस्तों तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे साइड आपको पूरा जो धीरूभाई अंबानी का घर है ये सारा का सारा देख सकते हैं। उन्होंने अभी जो ये बॉर्डर सब कुछ है अभी डेवलप हुआ है, लेकिन इनका जो मेन मतलब जो रियल घर हुआ करता है वो इसके अंदर है। तो काफ़ी छोटा घर है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जंगल जैसा है यहाँ का पूरा एरिया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इस घर का, जो आप लोगों को सामने ये दिख रहा है। यहाँ से पूरा इसका आगे का हिस्सा है ये। यहाँ से अंदर एंट्री गेट है, आप लोगों को एंट्री गेट भी दिखा दें हम। और यहाँ पे लिखा हुआ है सामने देख सकते हैं धीरूभाई अंबानी मेमोरियल हाउस। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसका एंट्री गेट, जहाँ से आप लोगों को यहाँ पे अंदर एंट्री मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सामने की साइड एंट्री गेट है और यहाँ से अंदर एंट्री आपको मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को 2 रुपये का टिकट लेना होता है, यहाँ पे 2 रुपये का टिकट मिल जाता है। और आप लोगों को अभी नज़दीक जाके भी दिखाते हैं, सारे बोर्ड वहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ये डोर ओपन रहता है, फिर 5 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ पे पान गुटखा अंदर खाना बिल्कुल मना है, यहाँ पे धूम्रपान करना भी बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं है। आपको यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे क्योंकि दोस्तों अभी अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा वो ट्रक आता हुआ नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आगे तक का ये पूरा एरिया आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आप लोगों को इसके पीछे के साइड का हिस्सा नज़र दिखाते हैं कि पीछे से ये कैसे दिखता है। दोस्तों ये पूरा देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा धीरूभाई अंबानी का घर आया हुआ है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्किंग जैसा बनाया हुआ है और बहुत सारे अंदर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। दोस्तों तो अभी आपको आगे भी लेके जाते हैं हम। तो दोस्तों अभी अंदर कोई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको लोगों को अंदर लेके नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बाहर से दिखाते हैं। बाहर से भी गजब का नज़ारा आता है इस मकान का, तो पूरा घर बनाया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ही औसम है। और दोस्तों यहाँ पे नारियल के पेड़ पौधे, यहाँ पे अंदर जो एक टाइप का बगीचा जैसा बनाया गया है, जिससे आप लोग अंदर भी जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। वहाँ पे गर्मियों के टाइम में भी आपको पता नहीं चलेगा कि गर्मी का सीज़न है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को आगे से दिखाते हैं इस पूरे जो अंबानी का मकान है यानी कि धीरूभाई अंबानी का। दोस्तों और ये धीरूभाई अंबानी का विलेज है, ये चोरवाड़ गाँव आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आप लोगों को और सारे नज़ारे दिखाते हैं धीरूभाई अंबानी के रिलेटेड, आप लोगों को बातें बताते हैं। दोनों तरफ धीरूभाई अंबानी के घर आए हुए हैं, ये उनका अस्पताल है, उन लोगों ने बनाया हुआ अंबानीस ने। दोस्तों यहाँ पे अस्पताल भी है।
दोस्तों ये जो दीवार नजर आ रही है ये धीरूभाई अंबानी के घर की है और ये पूरा एक पैलेस टाइप का अभी बाहर की साइड से दोस्तों, और दोस्तों ये अंदर से एकदम छोटा सा जो उनका रियल घर हुआ करता था जब वो लोग रिलायंस में नहीं जुड़े थे, यानी कि रिलायंस की स्थापना नहीं की थी, तो भी एक टाइप का उसका जो रेंट पे रहते थे वो मकान अभी भी मौजूद है अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बाहर की साइड से हम दिखा दें पूरा नज़ारा अभी पीछे का कैसा दिखता है पीछे से। तो चलिए दोस्तों पीछे की साइड चलते हैं, और ये मेरे पीछे आप लोग देख रही है पूरी दीवार उनके मकान की है, यानी कि उनके घर की है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे से दिखाते हैं इसके मकान का पूरा नज़ारा जो है घर का। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह का साइन मारा लगाया गया है जिससे हम यहाँ से आगे से आए हैं। यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, यहाँ पे धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन का बोर्ड लगाया हुआ है। ये पीछे व्हाइट हाउस है उनका पूरा है, ये पूरा व्हाइट हाउस है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो सामने के छोर तक पूरा लास्ट एंड तक आया हुआ है। और इससे आगे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आगे दिखाते आपको, यहाँ से पूरा आगे की साइड में ये पूरा मकान बनाया गया है। ये अभी इसकी तो पूरी बॉर्डर है दोस्तों ये, और यहाँ पे इस तरह का साइन मिल जाता है आप लोगों को आगे गेट की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे बालकनी जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ इसके आसपास का एरिया आप देख सकते हैं। चोरवाड़ गांव में आते ही पहला मकान यानी कि पहला ही घर आ जाता है धीरूभाई अंबानी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा व्हाइट हाउस है, से लेके सामने लास्ट तक इसका पूरा घर जो है वहाँ पे आता है। और यहाँ पे ये गेट है देख सकते हैं, यहाँ पे धीरूभाई नो डेलो, धीरूभाई अंबानी का डेला यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को।